नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्र के पावन पर्व में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपको क्या लाभ होगा? देवी कवच का यदि आप पाठ करेंगे तो क्या फायदा होगा? पाठ करने के नियम क्या हैं, विधान क्या हैं, कैसे आप पाठ करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इस पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके आप घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 7:49 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:34 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी से आइए जानते हैं नवरात्र के इस पावन मौके पर कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र क्या है, इसका क्या महत्व है, नवरात्र में इसका पाठ करने से क्या फायदा होगा। पंडित जी, लोग पाठ करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जब तक उसको सिस्टम से ना किया जाए, नियम से ना किया जाए, तो उतना लाभ नहीं होता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का क्या महत्व है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब इसका पाठ करें? अब हम देवी के ऐसी स्तुतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़ी चमत्कारी हैं, बड़ी प्रभावशाली हैं, और उसमें पहला स्तोत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। क्या होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र? देखिए, ये स्तोत्र श्री रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद के नाम से कहा गया है, उद्धृत है। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो थोड़ा कठिन भी है और उसके साथ बहुत सारे नियम भी हैं। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ है वो ज्यादा सरल भी है और ज्यादा प्रभावशाली भी है। अगर आप केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो इसका पाठ करने से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। कुंजिका स्तोत्र के मंत्र अपने आप स्वतः सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इनको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कुंजिका स्तोत्र बहुत अद्भुत स्तोत्र है देवी का, और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करें, नवरात्रि में तो करें ही, उसके अलावा भी अगर डेली की पूजा में आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग
कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरते हैं? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरते हैं? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम बात कर रहे हैं कि नवरात्र में आप कौन से ऐसे स्त्रोत्र हैं जिनका पाठ करें तो आपको अच्छा फायदा होगा। बात कर रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र की। पंडित जी, जो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करेंगे या करते हैं तो उन्हें क्या फल की प्राप्ति होती है? अब नवरात्रि में या सामान्य तौर से अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से फल कौन से मिलते हैं? अगर आप कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करें तो वाणी और मन की शक्ति मिलती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा, काफी ज्यादा एनर्जी का संचार होता है और कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को खराब ग्रहों के पाठ से, प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन में धन समृद्धि मिलती है। लेकिन कुंजिका स्त्रोत्र का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करता है उसके ऊपर तंत्र मंत्र की निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करे तो एक तो ग्रहों की बाधा उसको परेशान नहीं करेगी और दूसरा तंत्र मंत्र का नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखें आगे, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमारा शास्त्र क्या दिशा निर्देश देता है वो हम जानेंगे। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न रवि कुमार जी ने हमें लिखा है, चेन्नई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1978। जन्म का समय शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। रवि जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, उसकी क्या संभावना बनती है? रवि जी, आपकी कुंडली के अनुसार जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 का जो समय है, इस समय में आपकी नौकरी बदलने की संभावना भी है और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। केवल आप 9 जनवरी तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दुर्घटनाएं ना हो, चोट चपेट ना लगे, इस बात को लेकर के जनवरी तक सतर्क रहिएगा। आपका स्थान परिवर्तन हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर आप इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पाठ करें, किन बातों का बहुत ख्याल रखें? पंडित जी, जो लोग पाठ करना चाहते हैं तो उन लोगों को किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? अब ये जानते हैं कि सामान्यतः या नवरात्रि में ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करेंगे। देखिए, या तो शाम के समय कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए या मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप इसका पाठ कर सकते हैं। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं, इसके बाद लाल आसन पर बैठिएगा। अगर आप लाल वस्त्र धारण कर लें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लें कि मैं अपने ग्रहों की शांति के लिए या तंत्र मंत्र की बाधा को दूर करने के लिए या देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुंजिका स्तोत्र का पाठ जो साधक करता है, जो नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है और चाहता है कि उसको देवी की कृपा मिले, उसे सात्विकता रखनी चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में तो आपने जान लिया, देवी कवच का क्या महत्व है, कैसे इसका पाठ करें ये भी पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, देवी कवच का पाठ यदि नवरात्र में किया जाए तो क्या लाभ होगा, इसका क्या महत्व है? देवी की एक और चमत्कारी स्तुति है, उसका नाम है देवी कवच, या बहुत लोग उसको दुर्गा कवच भी कहते हैं। देवी कवच की महिमा क्या है? देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को किया था। देवी कवच में अपूर्व शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली कवच है। इसमें देवी के विभिन्न नामों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया कि अलग अलग देवियां शरीर के अलग अलग अंग की, यहां तक कि नाखून से लेके भौं के बाल तक, आईब्रोस के बाल तक, इन तमाम स्थानों की, शरीर के अंगों की, देवी की अलग अलग शक्तियां रक्षा करती हैं। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करता है तो वो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमेबाजी या स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से व्यक्ति बचा रहता है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति देवी कवच का पाठ करे तो मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी जिस जिस चीज की कामना करेंगे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, बशर्ते कि आप पवित्रता और नियमों के साथ देवी कवच का पाठ करें। हम चर्चा कर रहे हैं देवी कवच की, अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा, और पंडित जी जो लोग देवी कवच का पाठ करेंगे उन्हें क्या लाभ होगा, इसके साथ साथ इसका नियम क्या है, किस तरीके से पाठ करना चाहिए? अब देवी कवच से आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग की रक्षा होगी। पाठ कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे? रोज सुबह या मध्य रात्रि में, रोज सुबह के समय या मिड नाइट में इसका पाठ करिएगा। मध्य रात्रि में पाठ करना ज्यादा बेहतर होगा। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और सामने एक जल का पात्र रखिए, लोटे में या कटोरी में जल भर करके रखिए। इसके बाद दुर्गा कवच का बोल बोलकर श्रद्धा पूर्वक पाठ करिएगा। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा, या अगर दूसरे के लिए पाठ कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जल को छिड़क दें। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर इस जल को लगाइएगा। ऐसा करने से विशेष रोग बीमारी आपकी दूर होगी, और शरीर पर जल का छिड़काव करेंगे तो तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। इसको भोज पत्र पर लिख करके दुर्गा कवच को लोग गले में धारण भी करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो व्यक्ति करे, दुर्गा कवच धारण करे या दुर्गा कवच का पाठ करे, उस व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, नवरात्र में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हो रही है, लेकिन कल भी जो है तीसरे स्वरूप की पूजा हुई थी, आज भी हो रही है, तो क्या कारण है कि कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती?
देखिए सामान्यतः नवरात्रि में हर दिन देवी के एक स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन इस बार तीसरे स्वरूप की पूजा दो दिन हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए सामान्य रूप से जो तिथियों की गणना होती है वो होती है उदया तिथि के हिसाब से, और इस बार तृतीया तिथि जो है वो 5 तारीख को भी है और 6 तारीख को भी उदया तिथि है। तो 5 तारीख को भी देवी के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा होगी और 6 तारीख को भी देवी के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम के दबाव से राहत मिलेगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में विवादों से बचाव करें, शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 5, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 6, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। नंबर 8, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। और नंबर 9, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए?
आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें महेंद्र जी ने लिखा है, ओडिशा से लिखते हैं महेंद्र जी। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1973। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे और जन्म का स्थान है बहरामपुर, उड़ीसा। ये कह रहे हैं कि मैं कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके उतार रहा हूं लेकिन तेजी से नहीं उतर पा रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है, क्या उपाय करूं? देखिए महेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, यहां से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और अगले साल आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होगी और अगले साल निश्चित रूप से ये संभावना बनती है कि आप अपने मैक्सिमम कर्जे उतार लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका सुबह शाम रोज पाठ करें और एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए जाना है तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा तुला राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए।
आपको धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को, दुर्घटनाओं का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।